अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। यूरिया खाद की अवैध कालाबाजारी करते एसडीएम सिराली जैन ने एक ट्रक को पकड़ा। मध्य प्रदेश में खाद का संकट गहरा रहा है तो कहीं किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी भी चरम पर है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश खरगोन जिले के भीतन गांव में गुरुवार को सामने आया है। महाराष्ट्र के पाल से अवैध तरीके से यूरिया उर्वरक खाद की 335 बैग एक ट्रक से अवैध परिवहन करते हुए एसडीएम सिराली जैन ने ट्रक को भीतन गांव के ग्राम सतवाड़ा से पकड़ा। ट्रक को भीतन गांव पुलिस थाने पर लाया गया। जब चालक मुकेश पिता दरियाव निवासी जिरनिया से पूछताछ की तो उसने महाराष्ट्र के पाल से ट्रक को सतवाड़ा खाली करने के लिए बताया गया। ट्रक चालक के पास से खाद की बिल बिल्टी चालान दस्तावेज नहीं पाए गए। ट्रक कहां खाली होने जा रहा था चालक मुकेश द्वारा अभी तक नहीं बताया गया। आरोपी ड्राइवर मुकेश पिता दरिया निवासी जिरनिया हेल्पर कालू पिता मोजीलाल निवासी पाल महाराष्ट्र पर कृषि अधिकारी द्वारा अधिनियम 1955 की धारा 37 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत 1985 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। खाद की बाजार कीमत 90,000 रुपए अनुमानित है। ग्राम सतवाड़ा में हमें अवैध रूप से यूरिया परिवहन की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संदर्भ में वहाँ पर कार्रवाई की गई। आज मैडम कहाँ से यूरिया आ रहा था कुछ जानकारी मिल पाई कहाँ जा रहा था? ये जो व्यक्ति लाया है उसने ये बताया कि वो पाल महाराष्ट्र से यूरिया लेकर आ रहा था लेकिन कहाँ लेकर जा रहा था उसकी वो सही ढंग से जानकारी नहीं दे पाया है। मैडम अभी भी दुकानों के बाहर काफी लाइन लगी रहती, किसान परेशान हो रहे हैं, क्या खाद की पूर्ति बराबर नहीं हो पा रही? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यदि कहीं समस्या आ रही है तो उसका तत्काल हम निराकरण करवाएंगे। तो खाद की किल्लत है फिर भी जो अवैध कारोबारी करने वाले खाद की कालाबाजारी करने वाले उनके हौसले बुलंद है, क्या इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में चलती रहेगी? जी बिल्कुल कार्रवाई चलती रहेगी, अवैध परिवहन या अवैध रूप से बेचने को हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। डिजियाना न्यूज़ रिमार्क रिपोर्ट टिकन गांव।